राधे फ्रेंड्स, तो आज हम दो नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे। पोशाक हम चोली हमने बनाकर रखी हुई है। पोशाक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर है। अभी अगर आपने अभी अभी क्रोशिया चलाना स्टार्ट किया है तब भी आप इस पोशाक को बना सकते हैं। ये देखिए, ये दो नंबर कान्हा जी की चोली हमने बनाकर रखी हुई है। तो जिसको चोली बनानी नहीं आती है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं। और जो हम पोशाक बनाने जा रहे हैं, इस पोशाक को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये धागा लेंगे हम इस तरीके से, और हम अपना वर्क इधर, तो हम अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट नहीं करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो लाइन एक लाइन बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती यहाँ पर स्टार्ट में ही आए तो हम यहाँ साइड से स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। तो यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। देखिए, यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस तरीके से लेंगे यहाँ पर, एक दो तीन चेन लेंगे। जहाँ पर हमने तीन चेन ली है यहाँ पर ही डालकर एक बार क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से इस धागे को खींच लेंगे और इसको अपने साथ लेकर चलेंगे, ताकि हमारे पोशाक में फिनिशिंग आए। तो फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, यहीं पर डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमें सभी चेन्स में दो दो बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में करेंगे एक बार और करेंगे यहीं पर, नेक्स्ट में करेंगे, एक बार और करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सभी चेन्स में दो दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर थर्ड चेन में, या तो इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट राउंड लेंगे, तो तीन चेन लेंगे यहाँ पर हम, फिर से इसी में जहाँ पर तीन चेन लिए यहाँ पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। एक बार, नेक्स्ट में दो बार, इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको भी हम यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ज्वाइन करती हूँ मैं। देखिए, ये हमने दो राउंड बना लिए हैं। मैं यहाँ पर एक राउंड और बनाऊँगी, तो उसके बाद में हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीन चेन लेंगे जहाँ पर हमने तीन चेन लिए यहाँ पर ही डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे।
अब हम तीन में एक एक बार बनाएंगे और चौथी में दो बार बनाएंगे। तो ये दो गए हमारे, ये तीन, और यहाँ पर चौथे में जाकर हम दो बार डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये हमने दूसरा धागा ले लिया है अपना इस तरीके से। पकड़ेंगे इसको, टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अभी स्लिप स्टिच किया था, तो यहाँ पर ही हम एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया, इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हम इस धागे को और इस धागे को साथ में लेंगे। अब सभी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह, इस तरह से। नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट में करेंगे। इसको हमने अपने साथ में रखना है ताकि फिनिशिंग आए। देखिए तो इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर आकर हमने इसे ज्वाइन कर दिया धागे को, और नेक्स्ट कलर हमने स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो ये दो का एक नहीं करेंगे हम, इसको एक लूप लेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से, दो दो निकाल देंगे स्टार्ट के, फिर ये हमारे तीन रह गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेंगे। इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर हमने कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हमने वर्क किया है अपना, तो नेक्स्ट चेन में इस तरह से दो को निकाल देंगे। ये दो हैं हमारे, इस तरह से फिर से लूप लेंगे, इसमें यहाँ पर दो को निकाल देंगे। ये तीन हो गए हमारे क्रोशियों में, फिर से लूप लेंगे, फिर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये चार हैं हमारे, अब चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से पांच चेन लेंगे, लूप लेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से, दो निकाल देंगे, फिर से लूप लेंगे, फिर से इस तरह से, ये तीन रह गए, फिर से लेंगे इस तरह से, इनको सबको एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर फिर से हम पांच चेन लेंगे, इस तरह से। यहाँ पर कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है हमें, इस तरह से लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, फिर से पांच चेन लेंगे, पांच, इस तरह से लेंगे, एक दो तीन। यहाँ पर हमने ये तीन बार लेना है, फिर पांच चेन लेनी है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने 5 चेन लिए हैं और यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब हमें अपने ये जो होल है हमारे यहाँ पर वर्क करना है अपना, तो किस तरह से करेंगे देखिए। यहाँ पर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर हम 5 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक चेन लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे हम। एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमारा लास्ट रह गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, एक चेन लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। इस धागे को फिनिशिंग कर देंगे पीछे की साइड ले जाकर इस तरफ। इस तरीके से हमारी पोशाक आई है। देखिए इस तरीके से हमारी पोशाक आई है बनकर। तो आप लोगों को पोशाक कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और चोली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राधे राधे।